बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज हो गई है। एनडीए में बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनडीए को 125 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला है। एनडीए की तरफ से बीजेपी 74 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं संख्या के लिहाज से विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, उसे 75 सीटें मिली हैं, तो वहीं जेडीयू को 43 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। कांग्रेस सिर्फ महज 19 सीटें जीत सकी है और उसे पिछली बार की तुलना में 8 सीटों का नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो वहीं महागठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा लेफ्ट को मिला है, उसने कुल मिलाकर 16 सीटें जीती हैं। तो देखिए किस तरीके से किसको कितनी सीटें मिली है, किसको हुआ है फायदा और किसको हुआ है नुकसान, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो सीटों का आंकड़ा आया है, या आप समझिए चाहे बात एनडीए की हो चाहे महागठबंधन की हो, दोनों को आप देखिए। इसके साथ ही ये 6 तस्वीरें आपके जरा टीवी स्क्रीन पर, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। पोस्टर नंबर 1, पोस्टर नंबर 2, पोस्टर नंबर 3, पोस्टर नंबर 4, पोस्टर नंबर 5 और पोस्टर नंबर 6। 1 से 6 तक, 1 से 6 तक के जो पोस्टर हैं, इनमें देखिए बिहार में काबा, पहला सवाल बिहार चुनाव में उठाया गया, नीतीश सरकार पर हमला बोला गया था। अब उसी हमले के जवाब में यहां पर पोस्टर नंबर 1 लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि नीतीश कुमार बा, यानी कि उसका जवाब दिया गया है। इसके अलावा पोस्टर 2, नो कंफ्यूजन विद ग्रेट कॉम्बिनेशन लिखा गया है। 2 ट्रेनें दिखाई गई हैं, यानी कि 2 इंजन, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, और यह दिखाया गया कि डबल इंजन की सरकार बन गई है, जीत हुई है। तीसरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो पोस्टर देख रहे हैं आप, देखिए 24 कैरेट गोल्ड बताया गया है नीतीश कुमार को। और इसके अलावा जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा लिखा गया है कि नीतीश सबके हैं, उनकी तारीफ की गई है और यह बताया गया है कि जनता ने कितना प्यार दिया है उन्हें और फिर से उनकी सरकार राज्य में बनने जा रही है। तो देखिए एनडीए की जीत पर पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी की अगुवाई में शानदार सफलता बताई है, सुनिए आप। ये आरजेडी पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से चुनाव का संचालन किया है। बहुत सी सीटों पर हम कम वोटों से हारे हैं, वहां तो आरजेडी बहुत खुश हो गई है। जहां वो कम वोटों से हारी है वहां पे वो नाराज हो गई है। एक फर्जी सूची बनाकर जिस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश आरजेडी के नेता मनोज झा और उनकी पूरी टीम ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आप अपने हार का ठीकरा किसी अलग प्रशासन या इलेक्शन कमीशन पर नहीं थोप सकते। आपने पूरी तरह से गलत किया है। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार चुकी है। हम स्पष्ट बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए एनडीए की जीत के साथ ही पटना में पोस्टर की बहार आ गई है। राजनीतिक हलचल के प्रमुख केंद्र इनकम टैक्स गोलंबर पोस्टरों से पट गया है। हर तरफ पीएम और सीएम के पोस्टर नजर आ रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। विधानसभा चुनाव में परिणाम आ गए हैं, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। उसके बाद देखिए पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि कई पोस्टर जो है वो लगा दिए गए हैं। खासतौर पर इस पोस्टर में लिखा गया है, हो गई जय जय कार, बिहार में फिर से नीतीश कुमार। ये पोस्टर जो है किसी पार्टी ने नहीं लगाया गया है, क्योंकि इस पे किसी पार्टी का जो नाम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें तस्वीर है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, नीरज कुमार, संजय सिंह और आरसीपी सिंह, ये तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री के तस्वीर के अलावे बिहार के किसी भी बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीर इसमें नहीं है। के साथ मीडिया पटना। तो देखिए ज्यादा बातचीत के लिए क्या चल रहा है,
ये हमें बताएंगे हमारे संवाददाता रुपेंद्र, जो इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर हैं, और दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता नेहा जुड़ चुकी हैं। रुपेंद्र, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी हम आप की रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं ये बताने के लिए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है, उनको जनता ने कितना पसंद किया है। लेकिन राबड़ी आवास पर आप इस वक्त हैं, जरा वहां पर क्या कुछ देख रहे हैं आप बताइए। देखिए, अभी राबड़ी आवास पे हैं और यहाँ पर एक चीज़ जरूर हम देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ अपने कैमरा पर्सन करके दिखाएं कि मीडिया का जो जमावड़ा है वो जरूर लगा हुआ है और सारे मीडिया कर्मी इस आस में हैं कि तेजस्वी यादव जो 3 से 4 दिनों से घर से जो है वो नहीं निकले हैं, वो घर से जो है वो जरूर निकलेंगे और घर से निकलने के बाद जो है वो लोगों को जरूर जो है प्रेस से जो है बात करेंगे। लेकिन अभी कोई वैसी संभावनाएं हैं वो बनती नहीं दिख रही हैं कि तेजस्वी यादव जो है बाहर निकलेंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि कल की जो तस्वीर थी उसमें और आज में काफ़ी अंतर दिख रहा है। कल जो तस्वीर थी कि अभी का जो समय था, यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, तेजस्वी यादव के लिए जयकारे लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी जो तस्वीर है कि देखिए पूरा जो है खाली खाली दिख रहा है और जो सिक्योरिटी जो है जो हमेशा यहाँ पर रहती है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर में तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी हैं। खासतौर पर तेजस्वी यादव की जो सभी बहनें हैं वो भी पटना में पहुँची हुई हैं और सारी बहनें जो हैं तेजस्वी यादव के यहाँ पर हैं, सारी बहनों ही जो हैं उनके वहाँ पर हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि 10 तारीख को बिहार के नीतीश कुमार की जो विदाई है बिहार के मुख्यमंत्री की वो तय है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं, अंत अंत तक कल शाम तक मनोज झा ने दावा किया था कि ठीक, वो ठीक, सरकार बनाने जा रहे हैं जी। लेकिन जो बिल्कुल तस्वीर पलट गई, एग्जिट पोल एग्जिट पोल नहीं साबित हुए। रुपेंद्र आप बने रहिए, नेहा आप भी बनी रहिए, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। लेकिन बता दें अपने दर्शकों को कि एनडीए में जीत की खुशी दिखने लगी है। जेडीयू की ओर से राजधानी पटना में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी की भी तस्वीर लगाई गई है। ये तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से लगाई गई है और इसमें यह बताया गया है कि देखिए ये लिखा गया है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार आई है फिर से मौका जनता ने दिया है। एनडीए की जीत के बाद बिहार में राजधानी पटना में बड़ा या यूं कहें कि मेगा पोस्टर लगाया गया है तारामंडल के सामने जिसमें लिखा गया है हो गई जय जयकार बिहार में फिर नीतीश सरकार। ये जदयू की ओर से पोस्टर लगाया गया और इसमें एक कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश की गई, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है। और जो ये एक पोस्टर के जरिए मैसेज देने की कोशिश हुई किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो जोड़ी है उसकी ओर से बिहार में ये विजय मिली है और जय जयकार की बात कही जा रही है, क्योंकि 125 सीट एक बड़े मुकाबले में, एक टफ मुकाबले में, और यह कहें कि जो दिन भर ऊपर नीचे गणित का जो खेल था वो चलता रहा, कभी एनडीए आगे, कभी कहें कि महागठबंधन उसके आसपास, फिर एनडीए आगे, फिर महागठबंधन उसके आसपास, और ये खेल रात में लगभग 4 बजे तक चुनाव आयोग के अनुसार चलता रहा। 4 बजे जाकर ये घोषणा हुई चुनाव आयोग ने कि 243 सीटों की, तब जाके स्थिति साफ हुई कि 125 सीट पर एनडीए जीती है और 110 सीट पर महागठबंधन की विजय हुई है। अब इसके बाद एक तरह से कहें जश्न का सिलसिला, पोस्टरों के जरिए संदेश देने का सिलसिला वो शुरू हो गया है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो देखिए विधानसभा चुनाव में सीटों के आंकड़ों के हिसाब से जेडीयू भले ही 43 सीटें जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ गई हो, फिर भी एक बार फिर से नीतीश कुमार के ही एनडीए का मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है। ऐसे में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर भी बदल गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। पोस्टरों और नारों का राजनीति में अपना महत्व है, यही वजह है कि जब एनडीए को कल जीत मिली, कड़े संघर्ष के बाद जीत मिली, नीतीश कुमार का एक हंसता हुआ चेहरे का पोस्टर लगाया जिसमें लिखा गया नीतीश सबके हैं और उसके नीचे वो पार्टी के जो तमाम नेता हैं छोटे छोटे उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया नो कन्फ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन डबल इंजन की सरकार ने फिर रचा इतिहास बिहार की धड़कन देश की धड़कन, तो ये तमाम पोस्टर्स लगाए गए। लेकिन जो खास पोस्टर है वो जो है वो जदयू की ओर से ही लगाए गए और जिसमें दूसरी तरफ लिखा गया है
तरक्की दिखती है। और एक जो अगला पोस्टर है वो सात निश्चय टू से पार्ट टू से जुड़ा हुआ है, जो सरकार ने या कहें कि जेडीयू ने जो एक कहें कि मास्टर स्ट्रोक चला था चुनाव से पहले कि हम क्या करेंगे इस बार जीतने के बाद, तो ये सरकार का कहें कि एक तरह से जो संकल्प है या कहें कि निश्चय है, जो निश्चय की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे वो निश्चय है, जो इस बार वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसी पे उनका फोकस होगा। अंततः जो जीत है, एक सामान्य जीत इसको कहा जाएगा, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से केवल 3 सीट ज़्यादा एनडीए को आई है, उसके सहयोगियों को आई है, और जिसमें सबसे बड़ा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को हुआ है, जो 43 सीट पे ही अटक गई है, छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। अब ऐसे में इन पोस्टरों की कितनी सार्थकता रहती है वो देखना ये कहें खास होगा, दिलचस्प होगा, क्योंकि नई सरकार नए तरीके से किस तरह से काम करती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले दिनों में मिलेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो देखिए हमारे साथ रुपेंद्र बने हुए हैं, नेहा बनी हुई, शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएम ऑफिस के बाहर हैं। नेहा, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। पटना में तो खूब सियासत हो रही है, पोस्टरबाजी हो रही है, आप देखिए दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, क्या मीटिंग वगैरह शुरू हुई है वहां पर, मीटिंग का दौर? नहीं प्रीति, अभी तक मीटिंग तो शुरू नहीं हुई है। हालांकि आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ नजर आ रही है देखने को, और जो संभावना जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे शाम के 4 बजे तक, तो मेरे ख्याल से दोपहर तक या फिर 11 बजे से शुरू हो जाएगा यहाँ पे आवाजाही समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये बड़ा दिन होगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब थी, और ये अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कहलाया जाएगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने सभी लक्ष्यों को साधा है, चाहे जेडीयू को अपने से नीचे करने का कह ले, लोजपा को साइड करने का कर ले, क्योंकि अब लोजपा भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नहीं करेगी, और इसके साथ साथ आरजेडी को जो करारा जवाब इन्होंने दिया है, तो आप ये जान ले कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने लक्ष्य बनाया था अपने लिए, जो विजन बनाया था, वो सभी विजन और गोल को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे है। तो ये वाकई एक बड़ा दिन साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि कल से ही यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई थी, तो ये संभावित है कि उन तैयारियों को आज अमलीजामा पहनाया जाएगा और फिर आज आएंगे सभी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और 4 बजे के करीब कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को संबोधित करेंगे, और जीत का जश्न मिलजुल के, चूंकि सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये कुल मिला के एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। बड़ी जीत हो जाती है ये, और जो प्रदर्शन है बेहतर वो किया है। शैलेंद्र जी, क्योंकि आप सीएम ऑफिस के बाहर हैं, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं, किसी तरह की हलचल बढ़ी है? देखिए साफ तौर पर यहाँ भी मीडिया कर्मियों की हलचल है, सीएम हाउस है, सीएम हाउस में कहें कि गतिविधियाँ सामान्य हैं, अभी किसी का आना नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नेता हैं वो चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे जदयू के नेता हों, या वीआईपी के नेता हों, या और जो हम पार्टी उसके नेता हों, वो आएंगे, विधायक जो नए चुने गए हैं वो आ सकते हैं, और अब धीरे धीरे जो सिक्योरिटी यहाँ पर है वो एक तरह से कहें कि वो बढ़ाई गई है, और जो स्थानीय जो पुलिस है उसके जवान आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि आज गहमा गहमी का केंद्र, आज जो मुख्य केंद्र रहने वाला है सीएम हाउस ही रहने वाला है, क्योंकि यहीं से सब चीज़ें तय होंगी। एनडीए की जो बैठक होनी है वो भी यहाँ पे होगी, जो विधायक दल का नेता चुना जाना वो सब प्रक्रिया जो एक होती है वो होगी, साथ ही जब चूंकि मैंने पहले भी कहा कि तमाम मंत्री हारे हैं, 9 मंत्री हारे हैं, तो ऐसे में उनके स्थान पर किसको लिया जाना है इसको लेकर भी एक गहन मंथन चलेगा, चूंकि जदयू की ओर से ज्यादा मंत्रियों की हार हुई है, और फिर एक और बात है कि भाजपा की बड़ी जीत हुई, तो ऐसे में क्या भाजपा के ज्यादा मंत्री होंगे इस सरकार में, ये भी सब चीज देखना होगा कि तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तमाम तरह की चीजें हैं वो होंगी, और इसके बाद जो है बगल में ही इसके सामने ही जो राजभवन है, ये राजभवन ही खास होने जा रहा है, और यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो अब यहाँ पे जो सीएम हाउस में चीजें होंगी उन पे मुहर जो है राजभवन में ही लगेगी, क्योंकि साफ तौर पे बहुमत है सरकार के पास, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो ऐसे में जो कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार त्याग पत्र भी देंगे तो उसी समय उनको सरकार बनाने का न्योता भी मिलेगा, सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे, और उसके बाद चीजें तय होंगी, और माना जा रहा है कि दीपावली के बाद जो है ये सब चीजें होने वाली हैं, और जो कहें कि नई सरकार का गठन वो होगा 29 जो है 29 नवंबर तक, अभी ये जो विधानसभा का वो कार्यकाल है वो
पूरा होगा, उससे पहले सरकार का गठन होना है और आज 11 ही तारीख है। ऐसे में तमाम जो चीजें हैं, तमाम चीजों के लिए जो समय है वो पर्याप्त समय है और सरकार का जब बिल्कुल गठन होता है। शैलेंद्र जी आपने सही कहा, टाइम है, समय है, अभी बैठक जब होगी तो सबकी नजरें रहेंगी कि क्या कुछ होता है, कौन कौन पहुंचता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, नेहा, रुपेंद्र और शैलेंद्र जी।